कहाँ है, लेकिन अभिलाषा कहते हैं प्रभु की अगर झांकी मन में है, माँ की झांकी मन में, तो आप पहुंच जाएंगे जहां जाना है बगैर बताए, क्योंकि ये घटना मेरे सामने हुई। सन 79 में आए, मुझे नहीं मालूम कि काली वाहन कहाँ है, मुझे नहीं मालूम था मेरी उम्र उस समय ऐसी होगी 15-16 साल 17 साल। मैंने साइकिल उठाई, चल दिए साइकिल लेके, हरकाबाद फाटक पास पार किया, औरंगाबाद, हमें नहीं मालूम औरंगाबाद चौराहे कि नहीं, और साइकिल सीधे माँ के दरबार में जाके क्यों रुकी, क्योंकि मेरे अंदर माँ के दर्शन की अभिलाषा है। इसी तरह से वो 8 वर्ष का बालक नेपाल, अपना पड़ोसी देश है भारत, आया वही कश्मीर के पास ही आके नेपाल लगा हुआ है, आया दर्शन के लिए, भटकता रहा, लेकिन माँ का दरबार उसे नहीं मालूम था। कारण क्या था कि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, भीड़ भाड़ थी नहीं, अगर भीड़ भाड़ होगी तो वो समझ जाता है कि चलो 19 साल हो गए तो माँ के दरबार में पहुंचना, लेकिन लॉकडाउन था उस समय भीड़ थी नहीं, दर्शन बंद थे, और वो बेचारा चला आया माँ के दर्शन की इच्छा के लिए, आया और कटरा में जाके कटरा पार कर गया, और लास्ट में जाके उधर एकांत में छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहीं बैठ गया और कहने लगा, माँ पूरा दिन हो गया, मैं कैसे तेरे दर पे आऊं, कैसे दरबार में पहुंची। तभी क्या हुआ, देखिए माता रानी की कृपा, उस बच्चे की इच्छा देखिए, 3 गुड़िया उस मंदिर के रास्ते से गुजरी, वो कोई और गुड़िया नहीं थी, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माता वैष्णो, तीनों आ गई उस बच्चे के पास और बोली, बेटा तू यहाँ क्यों भटक रहा है, क्यों रो रहा है। बोली, माता श्री, मुझे नहीं मालूम कि माँ का दरबार कहाँ है और मुझे माँ के दर्शन करना है। तो वो देखो उन तीनों माताओं से वो बच्चा की क्या भावना है, आप लोग भी बोले कल्याण होगा, बोल सच्चे दरबार। वो बच्चा क्या कह रहा है, ओ मैया आएगी दरस दिखाएगी, ओ मैया आएगी। Vamos.